देख सकते हो प्रॉपर डंपर की तरह वर्क करता है। एक टंकर आगे लेके जाएंगे, ये हमारा डंप हो गया पूरा खाली। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉय ब्रदर्स। तो आज मैं लाया हूं दो डंप ट्रक, देख सकते हो दोनों ही डंप ट्रक है। पहला है अपना हॉबी ग्रेड, दूसरा है अपना टॉय ग्रेड। तो फटाफट से करते हैं अनबॉक्स, देखते हैं क्या क्या फीचर मिलते हैं, लेट्स गो। तो सबसे ऊपर वाला है अपना टॉय ग्रेड जो कि काफी छोटा साइज है, और ये है अपना हॉबी ग्रेड जो कि काफी बिग साइज है। तो फटाफट से पहले छोटे वाले से बात कर लेते हैं। देख सकते हो बॉक्स वगैरह तो दोनों के सिमिलर ही है, दोनों में फोटो वगैरह मिलती है डंप ट्रक की। ऊपर देख सकते हो मेटल डाई कास्ट वगैरह लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो डंप ट्रक करके ब्रांडिंग वगैरह दी गई है। 2.4 का गीगाहर्ट्ज़ का रिमोट वगैरह सब मिलता है। फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं इसको अनबॉक्स यहाँ से, और दिखाते हैं इसके फीचर्स वगैरह जैसे आपको मैंने बोला वीडियो में। ये है हमारा सबसे पहले टॉय ग्रेड वाला जिसमें बैटरी वगैरह मिलती है, चार्जर वगैरह भी मिलता है। उसके साथ ये है रिमोट, रिमोट में देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ढेर सारे बटन है। इसको कर लेते हैं साइड में। अब बात करते हैं अपने हॉबी ग्रेड डंप ट्रक की, देख सकते हो ये भी काफ़ी बिग साइज है, और यहाँ पे इसके फीचर्स वगैरह काफ़ी डिटेल में दिए गए हैं। देख सकते हो वहाँ पे फोटो वगैरह काफ़ी अच्छी है। ये मिलता है हमें ऐसा, देख सकते हो इसमें सीमेंट मिक्सर वगैरह भी आता है, और ओवरऑल काफ़ी बॉक्स लुक काफ़ी अच्छा है। 9 चैनल करके लिखा हुआ है डंप ट्रक के ऊपर। तो इसको भी बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं अनबॉक्स। पीछे से हमारे असली वाला डंपर जा रहा था। ये रहा हमारा टाटा का डंप ट्रक, जो बोल सकते हैं टाटा का। इसके अंदर मिलता है रिमोट, रिमोट में ढेर सारे बटन हैं, और सेम टू सेम चार्जर बैटरी, बाकी सब कर लेते हैं कचरा साइड में। अब बात करते हैं हमारे डंप ट्रकों की, तो दोनों में सिमिलर ही है, इसको कर लेते हैं साइड में। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हॉबी ग्रेड की। ये है अपना हॉबी ग्रेड जो कि बिग साइज में आता है, और इसकी एक्चुअल अमेजन पर प्राइस 10,000 के आसपास है, और इसकी भी प्राइस कुछ 5-5.5 हज़ार है। दोनों आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो बात कर लेते हैं अपने बड़े वाले डंपर की। इसमें बैटरी मैंने इंस्टॉल कर ली है, आपको दिखाता हूँ इनके फीचर्स। जैसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसको ऑन, देख सकते हो इंडिकेशन आ गया आपके सामने, और इसके मैं आपको फीचर्स वगैरह दिखाता हूँ। यहाँ से ये रिमोट कर लेते हैं ऑन, तो जैसे रिमोट ऑन करने पे यहाँ पे आपको ट्रक की आवाज़ सुनाई दे रही होगी इंजन की, ये भी सिमुलेटेड है। इसको हम यहाँ से ऑफ ऑन कर सकते हैं, देख सकते हो। और ये है लेफ्ट, ये है राइट, और ये अपना फॉरवर्ड बैकवर्ड, और ये फोर व्हील ड्राइव है, 4x6 है। ये देखते हैं प्रॉपर फोर व्हील ड्राइव है। यहाँ पे मैकेनिज्म 4x4 का है, यहाँ पे अगर आपको दिखाने की कोशिश कर दो। और इसका बैटरी कंपार्टमेंट यहीं पे देख सकते हो 4x4। और इसका मेन इंटरेस्टिंग फीचर जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ वो ये है इसका डंप, जो कि यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हो। इसको मैं सीधा कर लेता हूँ, काफ़ी वाइड है, और इसको वापस नीचे ला सकते हैं, इसको जितना चाहे स्टॉप कर सकते हैं, नीचे ला सकते हैं। और एक लास्ट फीचर मिलता है हमको यहाँ पे डेमो का, जैसे डेमो क्लिक करूँगा तो ये डंपर अपने सारे फीचर्स वगैरह ऑन ऑफ करने लगेगा। तो इसको फटाफट से लेके चलते हैं ट्रैक पे, देखते हैं ट्रैक पे कैसे दौड़ता है। डंपर आ गया है ट्रैक पे, लेट्स गो, लेके चलते हैं इसको ड्राइव पे। स्पीड काफ़ी स्लो है, देख सकते हो डंप ट्रक के हिसाब से बाकी 4x4 है, और फिर से थोड़ा ट्रैक के नीचे उतारते हैं, देखो ट्रैक के नीचे पकड़ता है, निकलते हैं ऑफ रोड भी प्रॉपर अच्छे से तरीके से कर रहा है। दो पत्थर में लेके आए जो कि किलो किलो के हैं, इसको कर लेते हैं लोड, और देखते हैं ये डंप ट्रक चला पाता है कि नहीं चला पाता है। तो कर लिया है लोड, लेके चलते हैं, देखो तो ये भी इजीली चला रहा है। बात करते हैं अनलोड की, देखते हैं ये वेट उठा पाता है कि नहीं। तो देख सकते हो प्रॉपर वेट उठा ले रहा है, इसको वापस लाते हैं। पत्थर ज़्यादा बड़े होने की वजह से यहाँ से निकल नहीं सकता है, पर अगर पत्थर छोटे हो या रेत वगैरह हो तो यहाँ से इजीली निकल सकता है। देख सकते हो मिट्टी मैंने अंदर डंपर में भर ली है। अब मैं इसकी थोड़ी सी टेस्ट ड्राइव लेके आपको मिट्टी गिरा के दिखाता हूँ। इसको लेके गया, अब इसको हम यहाँ से रिवर्स लेके आएंगे। अब यहाँ पर अपनी मिट्टी गिराते हैं, देखते हैं गिरती है गिरती। देख सकते हो प्रॉपर डंपर की तरह वर्क करता है। एक कंट्रोल आगे लेके जाएंगे, ये हमारा डंप हो गया पूरा खाली, और इसको वापस कर लेते हैं
नीचे। तो अब बात करते हैं दूसरे डंपर की जो कि अपना टॉय ग्रेड है, हॉबी ग्रेड तो आपने देख लिया, तो अपने हॉबी ग्रेड के बाद अब ये टॉय ग्रेड की देख लेते हैं। यहाँ से कर लेता हूँ स्विच ऑन, देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा स्विच है, ये भी सेम टू सेम ही है, इंडिकेशन वगैरह ये भी प्रॉपर देता है। और इसको हम यहाँ से म्यूजिक वगैरह ऑन कर सकते हैं, और जैसे ही मैं यहाँ से ऑन करूँगा तो इसमें सेल्फ लग जाता है जैसे आप ओरिजिनल ट्रक में देखते हो। यहाँ से इसका म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं, लाइट्स कंट्रोल कर सकते हैं सेम हॉबी ग्रेड की तरह, देख सकते हो लाइट का स्विच दबाने पे लाइट ऑन ऑफ हो रही है, और यहाँ पे म्यूजिक का स्विच देख सकते हो म्यूजिक ऑफ हो गया, म्यूजिक दबाने पे म्यूजिक ऑन हो गया। अब सेम टू सेम इसके फीचर्स वही है, जैसे ये फॉरवर्ड बैकवर्ड पर ये प्रॉपर फोर व्हील ड्राइव है देख सकते हो, और इसमें टर्न मारने के लिए ऐसे आप जैसे इसको रोटेट करोगे तो अपने आप फोर व्हील ड्राइव के हिसाब से टर्न मार लेगा। मैं आपको दिखाता हूँ नीचे करके, यहाँ पे देख सकते हो तो टर्न वगैरह ऐसे मारता है। बाकी ओवरऑल ये भी काफी मस्त है, लेकिन चलते हैं इसको ड्राइव पे, लेट्स गो। इसकी स्पीड काफी स्लो है, काफी छोटा साइज है, और टर्न वगैरह अच्छे से नहीं मारता, जैसे टर्न वगैरह में बच्चों की तरफ खिलौने की तरह, एक्चुअल टॉय ग्रेड ही हुई है, हॉबी ग्रेड नहीं बोल सकते इसको। बाकी इसकी बात कर लेते हैं मेन फीचर की जो कि डंपर की, तो इसमें कर लेते हैं पत्थर वगैरह लोड, जैसे ये रहे दो पत्थर जो सेम हॉबी ग्रेड में डाले थे वो इसमें डाल देते हैं, देखते हैं टॉय ग्रेड हैवी है कि नहीं। बट हाँ इसमें टॉय ग्रेड में ये मेटल का मिलता है पूरा, जो कि हॉबी ग्रेड में अपने को प्लास्टिक का मिलता है, तो देखते हैं चलता है कि नहीं। तो देख सकते हो ये दो पत्थर तो नहीं ले पा रहा, ये एक पत्थर रखते हैं सेंटर में क्योंकि डंपर इसका काफ़ी छोटा है, देख सकते हो टॉय ग्रेड के हिसाब से एक अच्छा लोड ले रहा है, बट हाँ टर्न नहीं मार पा रहा, ये इसकी मोटर काफ़ी छोटी है, अभी तो ऐसे ही वापस लेके आ जाएंगे, टर्न तो मार नहीं रहा। अब हम इसको अनलोड करके देखते हैं, ये रहा हमारा अनलोड का बटन दबा दिया, देख सकते हो अनलोड हो गया ये। तो पत्थर के बाद अब बारी है मिट्टी की, देखते हैं मिट्टी के साथ ये कैसा चलता है। तो चलने में तो ठीक है, टर्न मार के देखते हैं, टर्न ठीक ठाक मार लेगा क्योंकि मिट्टी का वजन काफ़ी कम है। इसको भी कर लेते हैं अनलोड, अपने सेम हैवी ग्रेड वाले डंपर के पास चलाते हैं, अब करते हैं इसको अनलोड। तो देख सकते हैं ये भी अनलोड काफ़ी अच्छे से करता है, और टर्न वगैरह मारने में काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल ये थे हमारे दोनों डंप ट्रक, हॉबी ग्रेड और टॉय ग्रेड, दोनों कैसे लगे? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉय ब्रदर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टाटा बाय।